अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स हमने कल का वीडियो एक्सरसाइज 3.3 का दिया था आप लोगों को। अब एक्सरसाइज 3.4 है। एक्सरसाइज 3.4 क्या आ रहा है? फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें निकालना है एलसीएम ऑफ 170। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए पार्ट है, 170 एंड 238। क्या निकालना है? एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम नंबर्स, खाली प्राइम नंबर्स। 2 से डिवाइड, मल्टीपल 2 से मल्टीपल करेंगे वो आना चाहिए, या 170 को डिवाइड करें 2 से। 2 8 जा 16, 1 का जा और 0 नीचे आया, 2 5 जा 10। तो जो क्वेश्चन आएगा वो हमें इधर देना है, 285 आंसर। समझ आया? अब 5 से होगा क्योंकि 2 से नहीं होगा, यहां पे लास्ट का 5 है तो 5 से करेंगे। 585 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से, 5 आता, 5 बचा कितना? 3 और नीचे आएगा 5 7 जा 35। तो क्वेश्चन क्या है? 70। अब 70 प्राइम नंबर है खुद, तो किसी और से के मल्टीपल के टेबल में नहीं आता है, तो 70 का। अब 238 2 से ही करेंगे, 2 1 जा ऐसे करना, 2 1 जा 2 नीचे क्या आया? 3। 2 1 जा 2 बचा क्या? 1 और नीचे क्या आएगा? 8। 2 9 जा 1 2 इंट 1 ना 9 238। यहां तक समझ आया? उसके बाद 119 किसके टेबल में आएगा? 7 के टेबल में आता है, 17 into 7। वो कितना होता है? या 119 को 7 से डिवाइड करो, 7 बचा कितना? 4 और ये 9 into 7, 7 जा 4। तो रिमेंट क्वेश्चन क्या आया? 7 से क्या हमने तो 7। अब 17 खाली, 17 से therefore factors of 170 is equal to 2, ऐसे लिखना 2 into लिखो या ऐसे लिखो 5 into 17। समझ आया? यहां पे भी factors of 238, 2 into 7 into 17। अब हो रहा है LCF of this, LCF क्या होता है? Highest। C क्या होता है? Common। F क्या होता है? Factor। Highest common factor, जो इन दोनों में से highest होगा उन दोनों का multiple करना है। यहाँ पे 2 है common, यहाँ पे 17 है common, तो 2 into 17 कितना हुआ? 34। तो कितना highest common factor इनका है? 34। समझ आया? अब उसके बाद है दूसरा पार्ट, उसके बहुत से पार्ट्स हैं, वो आप बाकी का आपने करना है। मैं एक दो पार्ट, लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं एक दो पार्ट से करूंगा, और मिनट्स में आप लोगों ने पढ़ा है, घर पर प्रैक्टिस करोगे तो कोई आएगा नहीं, कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, पार्ट नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा, आपको इससे कंफ्यूजन होता है ऐसे, 2 1 जा 2 बचा क्या? 0 नीचे क्या आएगा? 7। 2 3 जा 6, इसे छोटा ही आना चाहिए ना, बचा क्या? 1 और ये 2 नीचे आएगा, 2 6 जा 2, तो 136 इनटू 2 अगर करेंगे तो 272। अब है 136, उसको डिवाइड करना है, ये भी अभी इवन ही है तो 2 से ही करेंगे, 2 6 जा 12, पहले तो किया बचा क्या? 1 और ये 6 नीचे आएगा, 2 8 जा 16, तो 2 इनटू 16, 268 सॉरी 268। आप 68 अभी भी इवन ही है तो 2 से करेंगे, 2 3 जा 6 0 नीचे आएगा ये 8, 2 4 जा 8, 2 into 34 अभी भी है, 2 into 70 34 को डिवाइड करेंगे तो 17 को खाली 1 ही कर सकता है डिवाइड, मान लो। अब है 425 क्या है लास्ट में? क्या है? 5, तो 5 से ही करेंगे, 5 से ही करेंगे, 425 को 5 से करेंगे,
5 वेट था 40 2 नीचे और ये 5 42 में से 40 माइनस करेंगे तो 2 5 में से 5 5 तो नीचे आएगा 8 5 था 5 5 था 25 5 into 85 अब 85 यहां पे है तो किससे डिवाइड करेंगे 85 से ही करेंगे या सॉरी 5 से ही करेंगे लास्ट का 5 है 5 1 था 5 बचा कितना 3 5 में से 8 में से 5 3 तो 5 नीचे 5 7 था समझ आया 5 into 7 अब यहां पे है 7 को खाली 1 therefore factors पहले लिखना है factors of 272 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 17 यहां पे भी factors of 425 is equal to 5 into 5 into 17 यहां पे 2 कोई 2 नहीं है यहां पे 5 यहां पे कोई नहीं बचा क्या खाली 17 तो 17 ही फैक्टर है इसका समझ आया therefore HCF of 272 and 425 is equal to अगर मैं सारे पार्ट्स यहां पे दिखाऊं ना तो इतना बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा आपको उठाने में बहुत दिक्कत होती है फिर हो जाए होता ही नहीं है इतना अब है एक्सरसाइज 3.5 एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 है को प्राइम नंबर्स को लेते हैं द टू नंबर्स व्हिच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 कोई भी दो नंबर उनके फैक्टर खाली उनके कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए बाकी कोई भी नहीं फॉर एग्जांपल ए पार्ट है 12 एंड 13 12 एंड 13 12 के कौन-कौन से फैक्टर हैं 12 नंबर इटसेल्फ 12 और 12 किसके टेबल में आता है 4 into 3 4 3 जा 12 और 2 6 जा ये भी है ना फैक्टर इसका उसके बाद 30 का कौन से फैक्टर है 1 एंड 38 सेल्फ और 2 के टेबल में आएगा 2 into 15 3 के टेबल में आएगा 3 10 जा 30 ये भी फैक्टर है इसके डिवाइड से भी कर सकते हैं फैक्टर अब हम शॉर्टकट में ऐसे ही करेंगे कर रहे हैं 4 से नहीं होगा 4 के टेबल में नहीं आता 5 से होगा 5 6 7 7 से नहीं होगा 8 से नहीं होगा 9 से नहीं होगा 10 से होगा जब रिपीट होगा तब बस उतना ही और फैक्टर्स खाली अपने नंबर के होते हैं अब 31 कभी फैक्टर नहीं होगा तो 13 यहां पे कभी फैक्टर नहीं होगा अब बोला जा रहा है अगर इसमें 1 के अलावा 1 के अलावा कोई नंबर और एक्स्ट्रा होगा सेम यहां पे तो ये कोप्राइम नंबर्स नहीं है यहां पे 2 है यहां पे 2 है यहां पे 3 है यहां तो ये कोप्राइम नंबर नहीं है दूसरा पार्ट क्या है इसका 8 एंड 21 8 एंड 8 के कौन-कौन है 1 एंड नंबर इटसेल्फ 8 और किसके टेबल में आता है 2 4 था फिर 3 के फिर रिपीट वाला और तब बस उतना ही था 4 के टेबल में आएगा बस अब 21 1 एंड 21 इटसेल्फ और 7 3 था इतने ही है ना 21 के फैक्टर तो सेम हो रहे हैं 1 और मत है कोई एक्स्ट्रा तो ये प्राइम नंबर है प्राइम नंबर ही होता है खाली 1 सेम होना चाहिए दो नंबर्स का फैक्टर जब निकालेंगे खाली 1 सेम होना चाहिए बाकी कोई नंबर सेम नहीं होना चाहिए समझ आया अब है क्वेश्चन नंबर उसमें खाली बी और डी पार्ट है को प्राइम नंबर बाकी दो ए एंड सी को प्राइम नंबर्स नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने यहां पे इक्विलेटरल डिवीजन मेथड बोला है एचसीएफ निकालना है हमें एचसीएफ क्या बोला मैंने अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे थे अब हमें बोला जा रहा है इक्विलेटरल डिवीजन मेथड से निकालने हैं एचसीएफ क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है 398 436 542 इतने हमें बोला जा रहा है ये आपको याद रखना है जब आप एक्सरसाइज 3.5 लिखोगे पहले ये लिखना कॉल नोटबुक पे इक्विलेटरल डिवीजन मेथड इक्विलेटरल डिवीजन और ये 6 स्टेप्स लिखना है उस पे और अगर आप लिखोगे तो याद रहेगी ये तो थ्योरेटिकल है ना ये तो थ्योरेटिकल है ना ये हमें याद रखनी चाहिए कि क्या है पहला स्टेप क्या है यहां पे कैसे करना है दूसरा स्टेप क्या है यहां पे कैसे करना है तीसरा स्टेप क्या है वही यहां पे भी करना है तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर हम निकालेंगे दो
डिवाइड को जब करते हैं दो को ही कर लें, तीन को मत कर सकते हैं, दो को ऐड एंड लिखा जाए ग्रेटर नंबर। इन दो में से ग्रेटर नंबर कौन है, 436 एंड 398 में से 436। फिर बोला जा रहा है टेक द ग्रेटर नंबर एज डिविडेंड, डिविडेंड इस पे लिखते हैं ना या ऐसे लिखोगे, ये डिविडेंड है ये डिविडेंड, अगर 2 से करेंगे तो वो ज्यादा बन जाएगा ना, 436 से ज्यादा बन जाएगा, तो बचा क्या, माइनस करना है ना, 16 में से 8 यहां बचे कितने 2, मान यहां से लिया 12, 9 में से 12 3, समझ आया, यहां तक समझ आया, वेरी गुड। अब स्टेप 4 क्या बोला है, टेक द रिमाइंडर एज ए न्यू डिवाइजर, ये क्या बन गया इनका रिमाइंडर, ये बात याद रखना, जो ये रिमाइंडर बन गया वो न्यू डिवाइजर बना लो, टेक द रिमाइंडर एज ए न्यू डिवाइजर एंड द डिवाइजर एज ए न्यू डिविडेंड, जो डिवाइजर था वो न्यू डिविडेंड बना, समझ आया, यहां तक समझ आया, पहले बिगर नंबर ढूंढा, फाइंड द बिगर नंबर एंड जो बिगर नंबर है वो डिविडेंड बनाया, स्मॉलर नंबर वो डिवाइजर, फिर डिवाइड किया और जो रिमाइंडर बना वो फिर न्यू डिवाइजर बनेगा और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बना, इस स्टेप ये स्टेप फॉलो किया ना, टेक द रिमाइंडर एज ए न्यू डिवाइजर एंड डिवाइजर एज ए न्यू, फॉलो किया इस फोर्थ भी फॉलो। अब डिवाइड करना है रिपीट, ऐसे ही रिपीट द स्टेप स्टिल द रिमाइंडर ऑब्टेनड इज 0, तब तक हमें कंटिन्यू करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब 38 को क्या, कौन से स्टेप्स, वही से 38 पहले कोई करके मान 38 तो नीचे क्या है, अब 18 को होगा नहीं, अब रिपीट क्या करना है, स्टेप टेक द रिमाइंडर एज डिवाइजर एंड द सेम डिवाइजर एज डिविडेंड, 18 × 2 = 36 बचे क्या, टेक द रिमाइंडर एज न्यू डिवाइजर एंड द डिवाइजर एज न्यू डिविडेंड, 2 × 9 = 18। तो जो लास्ट में रिमाइंडर जब 0 आएगा उसका जो डिवाइजर होता है वो एचसीएफ होता है उन दो नंबर्स का, इन दो नंबर्स का, therefore HCF of 398 and 436 is equal to 2, ये बात याद रखना। अब यहां पे और एक बात वो हम आप अब यहां पे स्टेप 6 हो रहा है, यहां तक किया ना हमें रिपीट, द लास्ट डिवाइजर फॉर विच द रिमाइंडर इज 0, यहां पे जो लास्ट डिवाइजर था फॉर विच द रिमाइंडर इज 0 इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ, और रिक्वायर्ड एचसीएफ हम गए इन दोनों का, लेकिन हमें बोला जा रहा है और एक नंबर है, अब वो उसको क्या करना है, यहां तक कंप्लीट किया, ये साथ साथ में ठीक है, जो एचसीएफ अब बन गया इन दोनों का एचसीएफ उससे डिवाइड करना है जो लास्ट वाला नंबर है 542, जो नंबर हमने नहीं लिया था अभी उससे आप डिवाइड करना है इस नंबर को, इस नंबर को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे इन तीनों को, 2 × 2 = 4 बचा क्या 1 2, यहां पे 4 नीचे आएगा, 2 × 7 = 14 बचा क्या 0 और ये 2 नीचे आएगा, 2 × 2 = 1 तो 2 × 2 = 71 बचा क्या रिमाइंडर 0। अब हमें बोला जा रहा था लास्ट डिवाइजर फॉर विच द रिमाइंडर इज 0 इज द रिक्वायर्ड, अगर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता तब हमें करने थे और स्टेप्स फॉलो, डिवाइजर जो रिमाइंडर बचा था उसको डिवाइजर बनाना था, इसको डिविडेंड बनाना था, लेकिन यहां पे एग्जैक्ट डिवाइड हुआ तो हमें यही पे खत्म करना है, और therefore HCF of 398 436 542 is 0 2 sorry ए आप क्या बना है HCF, समझ आया, वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
इक्विटेड डिवीजन मेथड अब है इक्विटेड डिवीजन मेथड में उसमें है दूसरा पार्ट 150, 140 and 210. 150 पहले हमें क्या करना है आइडेंटिफाई द बिगर नंबर इन दोनों में से जो बिगर नंबर होगा वो डिविडेंड बनाना है अब हम स्टेप्स की तरफ नहीं देखेंगे जो बिगर नंबर है उसको डिविडेंड बनाना है जो स्मॉलर नंबर है उसको डिवाइजर बनाना है ये आप लोगों को पता ही है डिविडेंड होता है डिवाइजर होता है डिविडेंड कोशेंट होता है जो बचा रिमाइंडर होता है आप क्या करना है 140 * 140 जो रिमाइंडर बचा 150 - 140 10 जो रिमाइंडर बचा वो न्यू डिवाइजर बनेगा और जो यहां पे है डिवाइजर पुराना डिवाइजर वो डिविडेंड बनेगा यहां तक समझ आया अभी हम इन दोनों का करते हैं 10 * 1 10 बचा क्या 4 और एग्जैक्टली जब डिवाइड हो डिवाइडेड होगा जब रिमाइंडर जीरो बनेगा तब जो होता है यहां पे नंबर वही एलसीएम होता है 10 4 जा यहां पे एग्जैक्ट हुआ ना अगर हम 10 * 14 लिखेंगे अगर हम 10 * 14 यहां पे डायरेक्टली लिखेंगे 140 स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे तो एग्जैक्ट डिवाइजर जो डिवाइजर है वो ऐसे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 150 एंड 140 इज इक्वल टू 10 यहां तक समझ आया अब ये एक बचा है ना उसको भी करेंगे अब इन दोनों का एलसीएम 10 और बचा क्या अब बिगर नंबर आइडेंटिफाई करना है 210 और डिवाइजर छोटा 10 से अब अगर एग्जैक्ट डिवाइड हुआ जीरो यहां पे आया तो यही रहेगा अगर नहीं तो रिमाइंडर जो बचेगा वो उसको करना है 10 * 2 20 अभी स्टेप्स ओपन नंबर्स है ना तब तक हम नंबर्स लाएंगे यहां जब तक यहां पे जब यहां पे खत्म होंगे अगर नीचे नहीं होगा अगर नीचे बचा होगा कोई तो वही रिमाइंडर बनेगा ठीक है ना नीचे क्या आएगा ये 0 10 * 1 10 तो रिमाइंडर अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 * 20 1 2 10 तो पोर्शन यहां पे डिवाइजर जो है वही एलसीएम है होगा देयरफॉर एलसीएम पहले हमें वो भी लिखना है इन दोनों का एलसीएम लास्ट में होगा एलसीएम ऑफ 150 140 एंड 210 इज इक्वल टू 10 समझ आया अब है क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड एलसीएम ऑफ 96 क्वेश्चन नंबर 3 भी करके सेम ही है 96 240 एंड 336 इनका एलसीएम निकाल दो इनका पहले हमें दो नंबर देखने हैं वो आइडेंटिफाई करने हैं बिगर नंबर जो होगा वो डिविडेंड बनाना है और स्मॉलर नंबर डिवाइजर समझ आया 96 * 2 96 * 6 = 12 क्या है 9 * 8 = 1 है अगर 3 करेंगे तो वो बड़ा बन जाएगा 240 से तो हम करेंगे 2 से तो 19 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ सॉरी 192 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ तो नीचे क्या है 10 में से 2 8 यहां बचे कितने 11 11 में से 9 सॉरी 13 3 यहां बचा 13 में से 9 48 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ इससे छोटा है ना तो हम इसको ऐसे लेंगे डिवाइजर लेंगे न्यू डिवाइजर और जो पुराना डिवाइजर उसको डिविडेंड 48 * 2 = 90 तो एग्जैक्टली डिवाइड हुआ यहां तो एलसीएम को नहीं करूंगा देयरफॉर एलसीएम ऑफ 96 एंड 240 समझ आ रहा है 48 जिसको समझ नहीं आ रहा होगा वो मुझे व्हाट्सएप करें कोई भी पार्ट इसमें से जो समझ नहीं आएगा मैं इसको ऑनलाइन ही बताऊंगा कैसे करना है ठीक है ना अब इन दोनों का 48 इन दोनों का 48 उस 48 से 336 को डिवाइड करना है क्योंकि आइडेंटिफाई करना है बिगर नंबर 336 से 48 का टेबल पढ़ के 48 * 7 7 * 7 = 49 7 * 56 5 7 = 28 + 5 30 तो एग्जैक्टली डिवाइड हुआ
यहाँ पे जो क्वेश्चन है द लास्ट डिवाइस सॉरी जो डिवाइजर है द लास्ट डिवाइजर फॉर इज द रिमाइंडर इज 0 इज द रिमाइंडर एस या जो लास्ट डिवाइजर है देयरफॉर एस या ऑफ 96 240 एंड 336 इज इक्वल टू 48 समझ आया। उसके और भी क्वेश्चंस हैं वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। समझ आया ना? थैंक यू।